सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरें देख रहे आप सब का स्वागत कर दिया। खबरें शुरुआत करांगे पर उस तो पहले नहीं सही। देश भर में बड़ी ही श्रद्धा भावना मनाया जा रहा है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पुरब। श्री हरिमंदर साहिब विखे सजाए गए सुंदर जुलम। सरकार ते किसानां विच दसवें दौर की गलबात। दोपहर 2 बजे दिल्ली विखे विज्ञान भवन विच होगी बैठक। बैठक विच 40 किसान जथेबंदियां दे आगू होणगे शामिल। दिल्ली पुलिस ते किसानां विच बैठक जारी। ट्रैक्टर मार्च संबंधी आ सकदा है कोई वड्डा फैसला। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च कढ़न ते कर रही है मंथन। सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर परेड नू लेके अहम सुनवाई। किसानों ने दिल्ली पुलिस तो 26 जनवरी नू ट्रैक्टर परेड कढ़न की मंगी सी। आ गया हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर में सिखां दे दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पुरब बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह मनाया जा रहा है। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब मौके अज श्री हरिमंदर साहिब विखे सुंदर जुलों सजाए गए हैं। इस मौके वड्डी गिनती विच संगतां श्री हरिमंदर साहिब विखे दर्शन कर पहुँच रही ने। श्रद्धालुओं वालों श्री हरिमंदर साहिब समूह विखे की गई फूलों की सजावट भी संगतां का मन मोह रही है। इस दौरान अज गुरु नगरी दियां वक्-वक् धार्मिक सभा सुसायटियां वालों अमृतसर धार्मिक मंच के अगवाई विच भाई वीर सिंह हाल तो श्री हरिमंदर साहिब तक विशाल प्रभात फेरी भी पंज प्यारे की अगवाई हेठ कटी जा रही है। इस नाल ही श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने समूह सिख संगतां नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े की लख-लख बधाई दी है। दीन दुनिया दिवाली धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब अज समुचे सिख जगत के अंदर बड़ी श्रद्धा ते उत्साह सहित मनाया जा रहा है। जिथे ये पुरब समुचा गुरु खालसा पंथ मना रहा है उत्थे गुरु खालसा पंथ के सहयोग के नाल ही तखत श्री दमदमा साहिब की पावन पवित्र धरती के उत्ते भी ये महान पावन पुरब उत्साह सहित मनाया जा रहा है। अज जरूरत इस गल की है कि असी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब मना रहे हैं। इस प्रकाश पुरब के मौके के उत्ते प्रण करिए कि असी नशा पत्तिया तो रहत हो के जीवन बतीत करांगे। असी अपने जिहड़े प्रोफेसनल जिहड़े कार्ज ने किते ने उन्हां दे नाल नाल असी धार्मिक साहित पढ़न पढ़ाउण ते प्रचारण दे विच अपना योगदान जिहड़ा पावांगे ते खंडे बाटे ते पहल छक के गुरु के लड़ लगांगे। मैं समुचे सिख जगत नूं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे प्रकाश पुरब दीआं बहुत बहुत बधाईआं देना। आप सारी संगत नूं इस महान पुरब दीआं बहुत बहुत बधाईआं। सरबंस दानी साहिबे कमां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश पुरब नूं लै के जिथे देश अते दुनिया दे गुरु घरां दे विच रौनकां वेखण नूं मिलदियां ने उत्थे खालसा पंथ दे प्रगट अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब नूं भी खूबसूरत तरीके दे नाल सजाया गया। तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने कहा है कि प्रकाश पुरब दे मौके ते नेड़े नगरां तो 10 नगर कीर्तन श्री आनंदपुर साहिब विखे पहुंचणगे। उत्थे शाम दे समय आतिशबाजी भी की जाएगी। ज्ञानी रघबीर सिंह जी ने जानकारी साझी करदे कहा है कि खास तौर पर महालपुर की संगतां वालों भी विदेशी फूलों के नाल तख्त श्री केसगढ़ साहिब नूं खूबसूरत तरीके नाल सजाया गया। इस तों इलावा बेहद ही खूबसूरत दीपमाला तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे की है। श्री आनंदपुर साहिब की समुची फिजा विच एक अलौकिक माहौल वेखण नूं मिल रहा है। इस मौके संगतां नूं अपील की है कि संगतां इस खास दिहाड़े ते गुरु घरां दे विच नतमस्तक होण अते गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ
गुरु जसन सरवण करवाएंगे। उत्थे ही महान कथावाचक ज्ञानी कुलवंत जी लुधियाने वाले वह भी उचेचे तौर पर पहुँचे और रात को बहुत ही महान कवि दरबार तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे जरूर होएगा। और वख वख इलाकों तो वख वख शहरां पिंडां तो हर साल की तरह 10 तो ज़्यादा नगर कीर्तन संगतां बहुत ही चाह दे नाल उमाह दे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे लैके हर साल ही पहुँचदियां ने। और कल भी वख वख इलाकों चों वख वख पिंडां शहरां दे विचों नगर कीर्तन तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे पहुँचणगे। और रात को प्रकाश पुरब के संबंध में जो है आतिशबाजी भी की जाएगी। और इस बार विशेष तौर पर तख्त श्री केसगढ़ साहब जिथे बाजार की सजावट की गई है उत्थे ही मालपुर संगतों के वालों इस बार विदेशी फुलों के नाल बहुत वधिया किस्म के फुलों के नाल तख्त श्री केसगढ़ साहब की सजावट जो है वह विशेष तौर पर की गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दशम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा शहीदां दे पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए हैं अते गुरु घर के हजूर रागी सिंघां वालों कीर्तन किया गया। इस मौके पर पहुंचे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां अते श्रोमणी अकाली दल के आगुआं वालों समुचे सिख जगत को साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े की मुबारकबाद दी गई है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े मौके देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अते प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनावां सांझी कीतियां ने। इस मौके देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई देंदे कहा है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को उनके प्रकाश पुरब मौके नमन करदा। उन्हां दा जीवन एक निरपक्ष अते सम्मिलित समाज की सिरजना लई समर्पित सी। अपने सिद्धांतों प्रति वह हमेशा दृढ़ रहे ने। असी उन्हां दे साहस अते बलिदान नूं भी याद करदे हां। हुण वधदे हां अगली खबर वल। खेती कानूनां खिलाफ किसान दिल्ली दीआं सरहदां दे डटे होए ने। अज किसान अंदोलन दा 56वां दिन सरकार ते किसान जथेबंदियां विचाले अज 10वें दौर दी गलबात होवेगी। गलबात लई बैठक दोपहर 2 बजे दिल्ली विखे विज्ञान भवन विच होण जा रही है जिस विच 40 किसान जथेबंदियां दे आगू शामिल होणगे। पहला यह बैठक 19 जनवरी मंगलवार को होनी सी पर इस अज के दिन लिए टाल दिता गया सी। दस दईए कि किसान जथेबंदियां ते सरकार विचाले 9 दौर की गलबात हो चुकी है पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सकिया। सरकार खेती सुधार कानूनों को सोध करना चाहती है जबकि किसान जथेबंदियां कानून रद्द कराने की मांग से अड़ी हुई ने। 15 जनवरी 9वें दौर की गलबात में सरकार ने साफ शब्दों में कह दिता सी कि खेती कानून वापस नहीं होंगे सिर्फ सोध कर सकते हैं। अजे अज की बैठक में की कोई हल निकलता इस पर सब दियां नज़रां टिकी हुई ने। किसान लीडरां दी अज केंद्रीय मंत्रियां नाल 10वें गेड़ दी मीटिंग होवेगी। इस मीटिंग तो पहला ही किसान लीडरां ने स्पष्ट कर दिता है कि सरकार मीटिंगां नाल खाना पूर्ति कर रही है इसलिए अज दी बैठक तो भी कोई उम्मीद नहीं है। उन्हां स्पष्ट कीता है कि वह हर मीटिंग विच इस लई जा रहे ने क्योंकि सरकार नूं इह कहण दा मौका ना मिले कि किसान जथेबंदियां गलबात नहीं कर रही। किसान लीडरां ने कहा कि खेती मंत्री नरेंद्र तोमर दी बयानबाजी तो स्पष्ट है कि इस मीटिंग तो भी कोई बहुत ही उम्मीद नहीं की जा सकती है। खेती मंत्री ने किसान जथेबंदियों को सलाह दी थी कि वह खेती कानूनों को रद्द करवाने की अपनी अड़ी छड़ दें अते कानूनों दी मदां ते चर्चा लई 10वें गेड़ की गलबात विच आउण। उधर किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यूनियनज़ का खेती कानून ते MSP बारे उही स्टैंड है। किसानों नूं MSP की कानूनी गरंटी ते खेती कानूनों ते लीक मार्क तो छूट होर कुछ भी मंजूर नहीं। उन्हें कहा कि वह सरकार अगे अपनियां मंगा मनवा के ही वापस परतणगे। 26 जनवरी दिल्ली विखे ट्रैक्टर मार्च कढ़न नूं लैके किसान जथेबंदियां ते दिल्ली पुलिस विचाले अज एक बार फिर तो बैठक हो रही है। इस बैठक विच किसान जथेबंदियां दियां दिल्ली पुलिस नाल ट्रैक्टर मार्च कढ़न ते मंथन कर रही ने। अज दी इह बैठक किसान आगुआं लई अहम है क्योंकि अज दी बैठक विच ट्रैक्टर मार्च नूं लैके फैसला आ सकदा है। दस दईए कि इस तों पहलां कल यानी कि मंगलवार नूं दिल्ली पुलिस अते किसान आगुआं नाल सिंघू सरहद ते अहम बैठक हुई सी। कल दी बैठक विच किसानां ने दिल्ली पुलिस नूं ट्रैक्टर मार्च नूं लैके अपना
ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। किसानों की 26 जनवरी नूं होण वाली ट्रैक्टर परेड नूं लैके सुप्रीम कोर्ट विच अज अहम सुनवाई हो रही है। किसान ने दिल्ली विखे आउटर रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड कढ़न दा ऐलान कीता। किसानों ने दिल्ली पुलिस तो 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड कढ़न दी आग्या मंगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस अदालत दे रुख दी उड़ीक कर रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालदे होए कहा है कि यह सुरक्षा ते कानून व्यवस्था नाल जुड़िया मुद्दा है। यह दिल्ली पुलिस तय करे कि किस नूं एंट्री देनी है अते किस नूं नहीं। कल दिल्ली पुलिस किसान जथेबंदियों नाल बैठक भी हुई, जिस विच किसानों ने रोड मैप सौंपदिया कहा है कि असी ट्रैक्टर परेड दिल्ली दे अंदर शांतिपूर्ण कढ़ांगे। इस ट्रैक्टर परेड विच वड्डी गिनती विच किसान हिस्सा लैणगे। अमृतसर के अटारी ब्लॉक के भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राम वालों बलविंदर सिंह महल की अगवाई हेठ 26 जनवरी को किसानों वालों दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च कट के रिहर्सल की है, जिस विच वड्डी गिनती में नौजवानों ने अपने ट्रैक्टर समेत किसानी झंडे लगा के शामिल हुए हैं। इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार संघर्ष को लंबा करने मीटिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि जदों तक काले कानून रद्द नहीं होते हैं वह संघर्ष को जारी रखेंगे और 2024 तक संघर्ष करने को तैयार ने। आम आदमी पार्टी ने किसानों वालों गणतंत्र दिवस मौके 26 जनवरी को दिल्ली में की जा रही ट्रैक्टर परेड में शामिल होने का ऐलान किया है। सूबा प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने कहा है कि आप दे वॉलंटियर हर पिंड विचों ट्रैक्टर लैके इस परेड में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले जत्थे की अगवाई पार्टी के विधायकों वालों ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अंदोलन में आम आदमी पार्टी किसी राजनीतिक धिर वजों नहीं सगो पार्टी के वॉलंटियर एक किसान कीर्ति होने के नाते इस में शामिल होंगे। गुरदासपुर लोग सभा सीट अधीन आउंदे विधानसभा हलकियां दे विधायकां ते किसान जथेबंदियां ने बीजेपी संसद मैंबर सनी देओल दा बायकाट करन दा फैसला कीता। दरअसल सनी देओल लोग सभा चोणां विच जित दर्ज करन मगरों अपने हलके दे लोकां दा ख्याल ही भुल गए। इस तों इलावा खेती कानूनां ते वी सनी देओल ने सरकार दा ही साथ दित्ता। अदाकार तो संसद मैंबर बने सनी देओल पिछले साल सितंबर तो ही हलके तो लापता ने। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा है कि सीआईडी रिपोर्टा मुताबिक जेकर सनी देओल नूं सामने आउण ते किसानां दे रोह दा सामना करना पवेगा। पछमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में धुंध कारण वड्डा हादसा वापरिया। धूपगुड़ी इलाके में एक ट्रक की देर दो गड्डियां नाल टक्कर हो गई है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 18 लोग जख्मी दस्से जा रहे हैं। जख्मियों को जलपाईगुड़ी के हस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस नाल ही जलपाईगुड़ी के SSPD मुताबक ट्रक यमुनागुड़ी वल जा रहा है, दूसरे पास दो गड्डियां गलत दिशा वल आ रही सन। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर एक होर ट्रक नूं ओवरटेक कर रहा है और उस समय यह हादसा वापरिया। फिलहाल ट्रक ड्राइवर नूं गिरफ्तार किया गया है, पूछ पड़ताल की जा रही है। पंजाब के स्वर्गवासी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे जगतार सिंह हवारा वालों दायर की गई जमानत पटीशन चंडीगढ़ जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। जानकारी मुताबिक जगतार सिंह हवारा ने 15 साल पुराने दो वफ केसों में जमानत मंगी सी। हवारा ने तिहाड़ जेल में पैरोल लेने लिए इन मामलों में जमानत मंगी सी। हवारा खिलाफ दो केस अजे चंडीगढ़ जिला अदालत में चल रहे हैं, जिस कारण उन्होंने जमानत नहीं दी गई है। दस दिए कि स्वर्गवासी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल मामले में जगतार सिंह हवारा अपने होर साथियों के नाल गिरफ्तार हो गया सी, पर साल 2004 विच ओह साथियों दे नाल बुड़ैल जेल विच सुरंग बना के फरार हो गया। इस तों बाद जून 2005 विच उस नूं दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तों बाद पुलिस ने उस दे भारत खिलाफ लड़ाई की तैयारी साजिश रचन फौज बनाउण अते हथियार इकट्ठा करन दीआं धाराव तहत केस दर्ज किए सन। यह केस सैक्टर 36 अते सैक्टर 17 पुलिस थाने विच दर्ज होए ने।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। रायकोट विखे गुग्गा माड़ी रोड से नज़दीक तेज़ रफ्तार नाल भज्जी आ रही एक आवारा गऊ के मोटरसाइकिल टकराउण कारण नौजवान लड़की के गंभीर रूप नाल जख्मी होने का मामला सामने आया, जबकि मोटरसाइकिल चला रहे उसके भरा दे भी सट्टा वजिया ने। इस मौके आले दुआले के लोगों की मदद नाल उसकी भैन को लाइफ केयर हस्पताल रायकोट विखे दाखिल करवाया गया। पीड़ित अजय गिल ने कहा है कि रायकोट शहर में 3 गऊशालावां होने के बावजूद भी वड्डे पद्धर से आवारा गऊं फिर रही ने, परंतु प्रशासन और गऊशालावां के प्रबंधक इन आवारा पशुओं की सांभ संभाल संबंधी कोई भी ढुकवा प्रबंध नहीं कर रही ने। उधर पंजाब सरकार वालों भी गऊ सैस के नाँ से गरीब लोगों जेबां से मोटा डाका मारा जा रहा है, जबकि आए दिन इन्ह आवारा गावं रायकोट शहर में कोई ना कोई भयानक सड़क हादसा वापरता ही रहा। उन्होंने मांग की है कि इन आवारा पशुओं की सांभ संभाल संबंधी कोई ढुकवें प्रबंध किए जाए ताकि जो लोगों के जानी माली नुकसान होने तो बचा हो सके। इस सब तो आ गया, धन्यवाद।